हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टू स्टाइलिश पल्लू इन सिंपल साड़ी। फ्रेंड, मोस्टली होता है हम लोग हैवी साड़ी पहनना पसंद नहीं करते कई बार, और हमें लोग सिंपल साड़ियाँ पहननी होती है। कई बार ऐसे फेयरवेल होता है या फिर कोई फंक्शन, इसमें हमको सिंपल साड़ी वेयर करनी है। तो उसके हिसाब से आज मैं आपके लिए दो स्टाइलिश पल्लू लेकर आई हूँ, जो हम रैंप वॉक या फिर मॉडल्स इन सब के ऊपर ही देखे होंगे आपने, या हम लोग उन्हीं के ऊपर ही पल्लू देख सकते हैं। तो आज मैं ऐसे दो पल्लू आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आपकी एकदम सिंपल साड़ी पर आप इसे वेयर करोगे और इसका ये बांधोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हैं, एक ये मेरा नोट ये साइड का नोट लुक है, एंड दूसरा ये मेरा झोला स्टाइल है, जो हम लोग आगे से एकदम जो झोले के टाइप का होता है उस तरह से बांध देंगे। तो फ्रेंड्स, ये दोनों पल्लू इतने स्टाइलिश और इतने अच्छे लगते हैं, और अगर आप थोड़ा स्लिम ट्रिम है तो आपके ऊपर मज़ा ही आ जाएगा इस पल्लू को, उस पल्लू के साथ में। तो फ्रेंड्स, ये मैंने लॉन्ग टॉप पर ही वियर करा है। यहाँ पर आप इस संग कैसे भी ब्लाउज वियर कर सकते हैं, इसके संग बॉटनेक या कुछ भी हो स्लीवलेस सब आप वियर कीजिए। तो देखिए आप ये साड़ी, मेरा फर्स्ट पल्लू है फ्रेंड्स। आपको ये नॉर्मल साड़ी वियर करनी, जैसे आप हमेशा अपनी साड़ी जो वियर करते हो वैसे ही करनी है। और आपको जो पल्लू है ये काफ़ी लॉन्ग लेना है। आपको ये कोशिश करनी है जो आपका पल्लू है वो थोड़ा नीचे तक जाए, आपके पैरों को टच करे वो नीचे तक। तो आप इसको देख सकते हैं, इसका मैंने पल्लू का फर्स्ट पार्ट आगे का लिया है। आप इसको ले लीजिए पीछे से, आपका जो पल्लू है उसको अपने आगे के साइड करके इसको थोड़ा लूज छोड़ कर इसमें गांठ बांध लीजिए। इसमें आपको हाफ गांठ बांधनी है, जिसमें एक छोटा सा फ्लावर लुक जैसा नोट लुक तैयार हो जाएगा। एंड आप इसको फिर लूज छोड़ दीजिए। आप देख सकते हैं कि हमारा कितना अच्छा गेटअप तैयार हुआ है। आप आगे से ये हमारा पल्लू इसी तरह रहेगा, जो ये लटका हुआ है इसी तरह रहेगा। तो आप इसको कैसे भी ब्लाउज़ के ऊपर वियर करिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड अगर फ्रेंड्स आपकी थोड़ा स्लिम हो तो और ज़्यादा मस्त ये पल्लू लगता है। तो आप किसी भी और वैसे भी कोई भी फिगर हो, कुछ भी साड़ी हर फिगर पे अच्छी लगेगी। आप कैसे भी इसे अच्छे से वियर कीजिए, आपको कोई हैवी साड़ी की बिल्कुल नीड नहीं। आप देख, सिंपल प्लेन साड़ी हो या प्रिंटेड साड़ी हो, आप उस पर इतना सिंपल सा नॉट लुक करिए और एक अच्छा सा मॉडर्न लुक तैयार हुआ मिल गया आपको। फ्रेंड, मेरा सेकंड पल्लू है। आपको जैसे नॉर्मल जैसे साड़ी जैसे हमने फर्स्ट में वियर की हुई थी वैसे ही सेकंड में वियर करके रखनी है। अभी आप पीछे से ये पल्लू लेकर थोड़ा आगे के साइड में से जोरा लुक में हम लोग बनाएंगे। तो आपको आगे से जो पल्लू का जो कोना होता है आप उसको पकड़े, एंड जो आगे की साइड है उसको थोड़ा अंदर से घुमा दीजिए, उसके अंदर से कि ये पल्लू आपका निकलेगा नहीं। इसमें आपको कोई पिन वगैरह नहीं लगानी, आप चाहो तो नीचे पिन लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज में किसी पिन की नीड नहीं है। इस तरह फ्रेंड्स आपका ये झोला मॉडर्न लुक तैयार होगा। आपने देखा हो तो ये रैंप वॉक पर बहुत चलता है, जो मॉडल्स रैंप वॉक करती हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा ही चलता है। तो आप प्लीज़ इस तरह अपनी सिंपल साड़ियों में एक अच्छा सा पल्लू तैयार करके सबका अट्रैक्शन अपने और खींच सकते हो। अगर आपका कोई फेवर पार्टी है या आपको नॉर्मल सिंपल साड़ी पहननी है, कोई ऑफिस पार्टी, आप आराम से इस पल्लू को वियर कर सकते हो। तो देखा ना फ्रेंड्स, आपकी कोई मम्मी वगैरह किसी की साड़ी सिंपल साड़ी पे मस्त पल्लू तैयार है आपका। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये मेरा पल्लू, प्लीज़ लाइक।